जैसे जैसे इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर और ज्यादा भीषण हमले कर रहा है। उत्तरी इसराइल का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां पर हिजबुल्ला ने हमले ना किए हों, और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इजरायली सेना पर कई सिलसिलेवार हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने IDF की अल मलिकिया मिलिट्री साइट पर एक आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, जिससे IDF के इस बेस का एक हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया और यहां पर आग लग गई। इसके बाद हिजबुल्ला ने अल राडार मिलिट्री साइट पर IDF के जासूसी उपकरणों को भी निशाना बनाया, और इसके 5 मिनट के बाद हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल राहेब मिलिट्री साइट पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके इस हमले में IDF के सैन्य उपकरणों को भारी नुकसान हुआ है। और इसके बाद 22 जुलाई 2024 की शाम को हिजबुल्ला ने पहले तो मेनारा सेटलमेंट पर रॉकेट दागे, और इसके बाद हिजबुल्ला ने दूसरा हमला मैतुला सेटलमेंट पर किया। यहाँ पर हिजबुल्ला ने कई बिल्डिंग्स पर भारी बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके इस हमले में यहाँ पर भी आग लग गई थी, लेकिन रात को करीब 10:40 पर हिजबुल्ला ने इजरायली सेटलमेंट के काफी भीतर एक बड़ा हमला किया। यहाँ के जुरैल सेटलमेंट पर हिजबुल्ला ने ग्रेट टाइप रॉकेट दागे हैं, जो उस सीमा रेखा से महज 5 किलोमीटर दूर है जहाँ से इजरायली सेना पीछे हटी थी। बड़ी बात यह है कि ये पहली बार है जब हिजबुल्ला ने जुरैल सेटलमेंट के इतने भीतर हमला किया हो। वहीं दूसरी तरफ इसराइल के चैनल 14 ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कई रॉकेट जुरैल में गिरे, जिसमें एक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं इसराइल की यनेट न्यूज वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस हमले में सेटलर्स के घायल होने की खबर भी है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि अभी तक इसराइली सरकार ने जुरैल सेटलमेंट को खाली करने को लेकर कोई भी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया है, और अब हिजबुल्ला ने इसका फायदा उठाते हुए यहां पर हमले शुरू कर दिए हैं।